ಬರ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕಕ್ಕ ಐದಕ್ಕ ಬರಬೇಕಾರೆ ಬರ ಮಾಕೋಯ್ ತೈ ಹೋಯ್ತು ಆರೆ ಐದು ನಾಳೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಿಲ್ ಬಾ ಕಟ್ಲಕ್ ಬರ ಹೊಡಿತಿನ ಅಂತಾರೆ ನನಗೆ ಲೈನ್ ಮಾರಗ ಡಾಲಿಂಗ್ ಆಪ್ ಪುಲ್ ಡಾಲಿಂಗ್ ಹೆ ನಾ ಕ್ಯೂ ಡಾಲಿಂಗ್ ಹೆ काम अच्छा है ना आपका। अच्छा थैंक यू भाई। सिद्धरामैया जी को मैं पूछना चाहता हूँ और खनिज फातिमा जी को मैं पूछना चाहता हूँ। खनिज फातिमा जी, आप ही की सरकार 10 साल हुकूमत करी यहाँ कर्नाटक के अंदर, तब आप दे नहीं पाए, तब ना आपकी नीयत नहीं थी देने की। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय रायदान मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल फूड्स, अरेबियन, टर्किश, मिडिल ईस्ट, ग्रैंड इंटीरियर, जेन्युइन स्पाइसेस, हाइजीनिक किचन, एड्रेस टीपू सुल्तान चौक, रिंग रोड, गुलबर्ग। ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾರಿಗ ಮಾಡಬೇಕು? ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಬರಿ ಹೇಳಿ ಹೋಗೋದು 100%? थोड़ा आम आदमी सपोर्ट कर। गुलबर्गा में हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, आम आदमी पार्टी आई तो हम सब मिल के रहेंगे। यहाँ हिंदू भी बैठेगा, मुसलमान भी बैठेगा, आजू बाजू में जो आज नफरत है उस नफरत को आम आदमी पार्टी खत्म करेगी, सबको बराबर का राइट देगी। ये पढ़ के देखिए, मुतमईन हो कि आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। ये पढ़ने के बाद आपका जमीर बोला तो वोट दीजिए। हमारे जैसा काम कोई नहीं कर सकता। मैं छोटा आदमी हूँ लेकिन 25 साल कौम की खिदमत कर रहा हूँ, एक में भी फेल नहीं हुआ। आज जितने कैंडिडेट हैं उनमें नंबर वन मैं अगर हूँ तो मेरे को वोट दो। ते आपके पास खातून भैना मेरे छः कुछ 6,000 मिलेंगे तो तुम यहाँ नौकरी करने से थोड़ा राहत लेंगे। एक बार क्या दो। तो आम आगे आगे हो क्या, कैसा है साहब हमारा पार्टी? अच्छा है पार्टी, अच्छा है। दिल्ली में काम करी, पंजाब में करी, अब गुलबर्गा में करती करती नहीं करती? करती। क्या करना है? आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? जरूर अच्छा, नंबर वो सब लिखाए, आम आदमी की पार्टी के मेंबर बने। शुक्रिया सेठ। हेलो सेठ, आपको हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, जो चल रहे हैं आज मीटिंग यहाँ वहाँ, आज आप यहाँ पर कुछ ग्रुप बने हैं, जरा दानेश्वर लोगों के ग्रुप बने हैं, ये कैंडिडेट को वो कैंडिडेट को फला कैंडिडेट को फला कैंडिडेट को, खातून नहीं होना नहीं होना, खातून होना, मर्द होना या कैसा कैंडिडेट होना, वो आज फैसला करना है। आज गरीब बहुत परेशान है गुलबर्गा में, लैंड माफिया की वजह से परेशान है। सारे सियासी पार्टियों में लैंड माफिया वाले का, आप लोग सेठ लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी है उनकी रक्षा करना, उनकी हिफाजत करना। कोई पूछ रहा नहीं, कोई पार्टी पूछ रही नहीं, क्योंकि उनके साधमियाँ हैं। तो उसके लिए आम आदमी पार्टी और सज्जाद अली की आज यहाँ पर ज़रूरत है। और एक बात, ये जो 3-4 कैंडिडेट है ना, उसमें आप असेसमेंट करो, हिसाब करो, हिसाब की किताब खोलो, काम कराया क्या पूरा देखो, वो देख के और आगे कौन काम आ सकता है। और आज मीडिया में झूठ कौन बोल रहा है? मैं काम कर रहा हूँ, कौन तो भी आके जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, ये सियासत नहीं होती। ऐसे लोग आपकी खिदमत नहीं कर सकते। लिहाजा अपील है मेरी आम आदमी पार्टी को, मेरे को सपोर्ट करके मिलो। आम आदमी पार्टी आएगी तो आपको ऐसी रोजी ऐसा मेहनत करना नहीं पड़ेगा ये उम्र में। 2,000 रुपये हम पेंशन देते आपको, तुम्हारे घर में कोशिश करेंगे क्या? हाँ आपकी कोशिश करो, आपकी आपको करने का है इंशाल्लाह। आम आदमी पार्टी है, अच्छी है, नहीं अच्छी है तो दिल से बोलो, नहीं तो मत बोलो। हाँ हम देख रहे ना उधर का आपको चला रहे पार्टी दिल्ली में, ये आम आदमी की गारंटी कार्ड है साहब, ये आम आदमी पार्टी का गारंटी कार्ड है। आम आदमी पार्टी गुलबर्गा शहर को दिल्ली मॉडल बनाना चाहती है, तो उसके लिए आपका सपोर्ट आपका वोट चाहिए। क्या दिल्ली में का मॉडल गुलबर्गा बनाना है क्या नहीं बनाना? बनाना बनाना है तो आप वोट देना पड़ता है। दिल्ली तो बन गया है। हाँ आप गुलबर्गा बनेंगे, एजुकेशन तो अच्छा आगे निकल गया। हाँ अभी गुलबर्गा आप आ गए तो बना सकते हैं। थैंक यू मैं आया तो बनाता हूँ। आम आदमी पार्टी लड़ रही यहाँ पर,
आपसे गुजारिश है, गुलबर्गा शहर को दिल्ली मॉडल बनाना, सबको सुकून मिलना, हिंदू मुस्लिम नहीं होना, हमारे लड़के बच्चे बेटियां बेटे तालीम याफ्ता होना, उनको अच्छे स्कूल होना, तो इंशाल्लाह दिल्ली मॉडल होना ना इंशाल्लाह। वो देखो आपसे तो मेरा पेट नहीं भरता, नहीं हमारा पेट भरने के लिए मजदूरी तो करना ना, तो मजदूरी करना मेहनत करना ना अलग बात है। हाँ? हम तो पहले मेरे हमारे दुकान के पूरे बच्चों मेंबर बनाए आम आदमी पार्टी। थैंक यू। अच्छा है, वोट करेंगे। हाँ थैंक यू। ನೀವು ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆಯುಷ್ ಇರುವ ತನಕ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಪೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ ಕೊಟ್ರಿ। ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಸಾಬ್, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್। दुआ करो, बस कोशिश करो, आपका काम है, बस परवाले का काम। आमीन आमीन आमीन। ऐसे शख्स है आज मोदी को पुकार के फेंकना बोले तो सिर्फ वही आदमी कर सकते हैं, दूसरे कोई नहीं सकते। जब तक मोदी को उखाड़ के फेंक नहीं सकते, हमारा रिजर्वेशन भी ख़त्म होता है, हमारा हक भी ख़त्म होता है, हम भी ख़त्म होते हैं। जब क्या करेंगे कांग्रेस के में तो दम नहीं होता। काम कर रही है तो केवल आम आदमी पार्टी काम कर रही है। आज हम नॉर्थ के अंदर आप देखे होंगे, नॉर्थ के कईयों कैंडिडेट है 50-50 साल से हुकूमत कर रहे हैं। निम्न मक्कर भविष्य ಕಲಬುರ್ಗಿ ದಿಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಲು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಜಯ ಹಿಂದ್। ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 1 ವರ್ಷ ಟ್ರೈನಿಂಗ್। ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗ 12 ತಿಂಗಳ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರಲಿ, ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಗಿಯರಿರಲಿ, ಗಂಡು ಹುಡುಗರಿರಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಶಾಸನ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ನೌಕರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ। ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಯುವಕರಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಯುವಕರಿಗಾಗಿ ನೌಕರಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ನೌಕರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ। ನೌಕರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ। ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ। ಕರಪ್ಷನ್ ರಹಿತ ಆಡಳಿತ ಕೊಡ್ತೀವಿ। ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತರುವಂತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮಾಶಾಸನ ಕೊಡ್ತೀವಿ। ಇದು ಬಂಧುಗಳೇ ನೆನಪಿರಲಿ, ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಓದ್ಕೊತಿ ನೋಡಿರಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಓದ್ಕೊಟ್ರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನಂಬರ್ 1 ಸಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೌಲಭ್ಯ ರಹಿತ ಸಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಬೇಕು। ನೀರು ಚರಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅರ್ಥ ಏನು? ಚಂಡೀಗಢಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಚಂಡೀಗಢ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಶಹರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಸಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ನಗರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಮ್ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ ಕಾಲ ಹಿಡ್ದು ಕೇಳ್ಬೇಕು 6 ದಿವಸ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಾಗ 6 ದಿವಸ ನೀರ್ ಎಸ್ 6 ದಿವಸ ಎಸ್ ತುಂಬಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಮನಿ ಇಟ್ಟು ಹತ್ತಿ ಎರಡ್ದಿನ 3 ದಿನ ಕಮ್ಮಿ ನಾವು ಬಿಡ್ಬೇಕ ಇಲ್ಲ 6 ದಿವಸ ಅದು ಹೋದ್ರೆ 8 ದಿವಸ ಯಾವನು ಕೇಳಲ್ಲ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಾಗ ಸತ್ರ ಬಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಸುಮ್ ರೊಕ್ಕ ಓಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹಾಲತ್ ಬಂದದ। ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರ ನೋಡಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಏನದ, ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಓಟ್ ಕುಡಿಬೇಡ್ರಿ।
ರೊಕ್ಕ ತೋತಾರ ರೊಕ್ಕ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ ಬರ್ಲಾರ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಕಾಯ್ದು ರಾತ್ರಿ ಸಂಸಾರ ಮಕ್ಕಳು 700 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಲು ಲೈಟ್ ಹಚ್ಕೊಂಡಿನ ನಾವು 24 ತಾಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕಕ್ಕ ಐದಕ್ಕ ಬರಬೇಕಾರ ಬೇಡ ಮಾಕ್ ಹೋಯ್ತು ಆರೆ ಆಯ್ತು ನಾಳೆ ಲೈಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಲಕ್ ಬಂದು ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಲೈನ್ ಮಾರಗ ಮೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಾಲಂಕು पहले ये बोलना चाहता हूं, हमारे माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी प्रेस मीट कर एक मैनिफेस्टो रिलीज करते हैं कांग्रेस के लिए। वो मैनिफेस्टो के अंदर हर फैमिली को हम 2000 यूनिट फ्री देंगे, हर ग्रह लक्ष्मी को 2000 रुपए देंगे और गैस का रेट 500 रुपए देंगे हम लोग। मैं सिद्धरामैया जी को मैं पूछना चाहता हूं और खनिज फातिमा जी को मैं पूछना चाहता हूं। खनिज फातिमा जी, आप ही की सरकार 10 साल हुकूमत करी यहां कर्नाटक के अंदर, तब आप दे नहीं पाए, तब ना आपकी नीयत नहीं थी देने की। आज हमारे माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी सीएम थे, तब दे नहीं पाए। अगर आपकी नीयत अभी भी देने की, हिमाचल में आप ही की सरकार है, 3 स्टेट के अंदर आप ही की सरकार है, राजस्थान में आप ही की सरकार है। अगर आपकी देने की नीयत है पहले वहां पे दे के बताइए, आप उन राज्यों में दे के बताइए, बाद में यहाँ पे आके भरोसा दीजिए हमारे कर्नाटक की जनता को। परिस्थिति बदल, जाति मत पंथ एल्ला बिट्टु आम आदमी पक्ष के वोट कोट्रे निम्गेल्ला सौलभ्य सिक्तद। गुलबर्ग सिटी स्मार्ट सिटी आगे मार्तीवी, सुंदर सिटी आगे मार्तीवी, अदु यारिंदलू साध्य इल्ल। निम्म अण्ण, निम्म तम्म, निम्म मग सय्य सज्जादल्ली इनामदार आदमी पक्षद कैंडिडेट मात्र कोडलु साध्य इदे। ಬಂಧುಗಳೇ, ಈಗ ನೀವು 60-75 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತು, ಜನತಾದಳ ಆಯ್ತು, ಬಿಜೆಪಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ। ಇವತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಾರ ಸಿಲಿಂಡರ್ 1200 ಕೊಡ್ತಾರ, ನಾವು ಏನು ಸುರುಗಾಡ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ। ನೀವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಓಟ್ ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿಲಾರ್ದೆ ಓಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಯಾರ್ದಾರು ಮಾತು ಕೇಳಿ ಓಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಓಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ। ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿದ್ದಾರೆ।